हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका भाव तो अभी इतना कम है कि कोई भी इसमें निवेश कर सकता है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं और जिस अकॉर्डिंग इसमें अभी आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वो किसी भी मल्टीवैगर स्टॉक से कम नज़र नहीं आते। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर में। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों स्टॉक के बारे में प्रॉपर चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना क्वांटिटी आपको बाई करनी चाहिए और कब तक आपको होल्ड कर देना चाहिए, और प्रॉफिट अगर आपके पास है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी का कल का परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया था। करीबन 10.65 रुपये पर आपको यहाँ पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसका जो लो था वो 10.45 रुपये था, लेकिन आपको अपर सर्किट स्टार्टिंग से देखने को मिला तो 10.65 रुपये पर आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो करीबन 52% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बना के दे दिए हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि रिटर्न्स ऐसे हैं किसी भी मल्टीवैगर से कम नज़र नहीं आते, तो ये तो मैं केवल आपको एक महीने के रिटर्न्स दिखा रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है करीबन 52% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं वॉल्यूम के बारे में बात करें, ये पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से चांसेस हैं कि ये स्टॉक आपको एक अच्छे खासे रिटर्न और ज़्यादा बना के देगा। 2-3 बारी ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको 1-2 बारी लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग सरकार का सपोर्ट है, जिस अकॉर्डिंग इनकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, डेफिनेटली यहाँ से लगता है जो अभी एक महीने में आपको 52% के रिटर्न है वो आपको 2 महीने में करीबन 100% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑन थर्सडे क्लियर्ड अ 12,031 करोड़ प्लान्स टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज इट सीक्स टू बूस्ट द आउटपुट फ्रॉम ग्रीन सोर्सेज एंड मीट द हाफ ऑफ द नेशंस एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम देम बाई 2030। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के अगर हम यहाँ पे माने तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 12,000 करोड़ के आसपास का प्लान क्लियर कर दिया गया है, यानी कि उसको अप्रूवल दे दिया गया है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा, जिससे अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में जो सरकार की हेल्प हो रही है उसकी वजह से ये शेयर आपको एक बहुत अच्छे खासे प्राइस दिखा सकता है। बाकी आगे की अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिल रहा है द इन्वेस्टमेंट अप्रूवल बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विच विल हेल्प द सप्लाई 20 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू द नेशंस ग्रिड फ्रॉम गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर आप देखोगे तो स्टेट वाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, और जिस अकॉर्डिंग अप्रूवल मिला है तो यहाँ से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस की डिमांड आने वाली है, और जिस अकॉर्डिंग हेल्प हो रही है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि अभी उतने ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आते। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि फंडामेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस है, और आपको इस ग्रोथ का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आप कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक्स में लगा सकते हो जिनमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके रखो सुजलॉन एनर्जी में, क्योंकि आपको रिसेंटली लोअर सर्किट देखने को मिले थे, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हुई थी, उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि एक लोअर सर्किट जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना चाहिए। तो अभी भी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो और अपनी प्रॉफिट को साथ के साथ बुक करते चलो, सो दैट लिक्विडिटी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, और जब भी मार्केट में फॉलो आप री एंट्री कर सकते हो। तो ये तो कुछ खबर निकल के आ रही थी सुजलॉन एनर्जी के बारे में। टारगेट आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग टारगेट क्या हो सकता है आने वाले रिसेंट टाइम में सुजलॉन एनर्जी का।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जेपी पावर के बारे में। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाते हुए नजर आ रहा है। उसके पीछे का भी रीजन है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम फ्राइडे का सिनेरियो देखें तो करीबन 7% का भयंकर उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला। इसमें आपको अपर सर्किट तो नहीं लेकिन 7% का उछाल देखने को मिला और करीबन 8:30 के आसपास की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक की आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिल गई। ओपन हुआ था 8 रुपये पे, 8.75 का हाई बनाया और लो भी इसका 8 ही था और 8.45 पे आपको यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो स्टॉक है वो 7% की तेजी के बाद क्लोज होते हुए नजर आया है। वहीं अगर हम देखें तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि वॉल्यूम टॉपर की लिस्ट में नंबर 1 पे देखने को मिल रहा था फ्राइडे को, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक इकलौता ऐसा स्टॉक था जिसमें आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा था, बाकी जिनमें भी हायर वॉल्यूम था उन सब में आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, बोडा आइडिया, यस बैंक, GMR इंफ्रा, यानी कि इनमें भी भयंकर ट्रेडिंग हुई है लेकिन नेगेटिव साइड में। और अकेला जेपी पावर एक ऐसा स्टॉक था जिसमें आपको करीबन 58 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली और शेयर में जो चेंज था वो पॉजिटिव साइड में चेंज देखने को मिला। करीबन 1 महीने के रिटर्न्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 70% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स 1 महीने के अंदर बना दिए हैं। अब यहाँ से मैं आपको रिकमेंड क्यों कर सकता हूँ इस स्टॉक को, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, द फ्यूचर ऑफ द पावर सेक्टर लुक्स ब्राइट एज बाई 2026-27 ऑल इंडिया पावर जनरेशन इंस्टॉल द कैपेसिटी विल बी नियरली 620 गीगावाट, 38% ऑफ विच विल बी फ्रॉम कोल एंड 44 फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि जो पावर सेक्टर का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है करीबन 2026-27 तक, क्योंकि यहाँ से जितनी भी पावर इंस्टॉल करी जाएगी उसमें करीबन जो 44% है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आपको जनरेट होती हुई नज़र आएगी और 38% आपको कोल से जनरेट होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री हैज इंक्रीज रैपिडली एंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर इन द कमिंग ईयर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है कंट्री में ही नहीं, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आपको एक ऐसे सेक्टर में निवेश जरूर करना चाहिए जिसको आपको पता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो पावर सेक्टर में आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि केवल आप जेपी पावर ही देखो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टाटा पावर, अदानी पावर, जेपी पावर, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप कंसीडर कर सकते हो अपनी रिसर्च या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।